दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे चोर कपल की है जो कि जंगल में लुका छुपी वाला गेम खेल रहे थे। वहीं पर ये लड़की एक नदी में नहा रही होती है, तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और उस लड़की को नदी से बाहर आने को बोलता है। लेकिन उस लड़की के सारे कपड़े उस आदमी के पीछे होते हैं, तो वो लड़की नदी से बाहर कैसे आती? तो चलिए देखते हैं क्या ये बिना कपड़ों के बाहर आएगी या नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें हम एक वॉइस मैसेज सुन पाते हैं। वॉइस मैसेज में एक औरत अपनी बेटी को घर वापस आने को बोलती है। तभी हम एक कपल को कार की तरफ आते हुए देखते हैं जो उस कार को चुरा कर उसमें बैठकर कहीं दूर चले जाते हैं। अगली सुबह हम उस लड़की एम्बर को देखते हैं जो अभी अभी नींद से उठी होती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जैक कार से गायब है, जिससे वो घबरा जाती है। तभी वो जैक को बाहर टॉयलेट करते हुए देखती है, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिलता है। तभी एम्बर को उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन बार बार वो अपनी माँ के कॉल को काट रही थी। अब जैक और एम्बर की बातचीत से हम जान पाते हैं कि ये दोनों यहाँ से भागकर फ्लोरिडा जाने का प्लान बना रहे हैं, और ये बात एम्बर की माँ को भी पता चल गई थी, जिस वजह से वो इन्हें बार बार कॉल कर रही थी। तभी एम्बर कार को चेक करने लगती है और उसे एक रिवॉल्वर दिखाई देती है। तो फिर जैक उस रिवॉल्वर को उठा लेता है और उसे देखने लगता है। जैक एम्बर से कहता है कि चलो मैं तुम्हें गन चलाना सिखाता हूँ, और फिर जैक उसे बंदूक चलाना सिखाता है। और अब एम्बर खुद से ही फायरिंग करना शुरू कर देती है, वो अपने बॉयफ्रेंड पर ही गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर जैक कहता है, पागल है क्या, मेरे से ऐसे मजाक मत करेगा। लेकिन मजाक में एम्बर उसे जमीन पर बैठा कर उसे अपनी आंखें बंद करने को कहती है, और वो उसके कान में बोलकर भाग जाती है। उसे लग रहा था कि जैक उसका पीछा करते करते उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये तो अभी भी अपनी आंखें बंद करके भंड था। आई थिंक ये दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। जब जैक अपनी आंख खोलता है तो उसे एम्बर कहीं नहीं दिखती। वहीं एम्बर भागते भागते एक झील के पास पहुंचती है। वो अपने सारे कपड़े उतार कर पानी में नहाने चली जाती है। उसे लग रहा था कि जैक उसका पीछा करते हुए आ रहा होगा। एम्बर झील में काफी मजे करती है, पर तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जो एम्बर को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे देखकर एम्बर काफी घबरा जाती है और पूरी तरह से डर जाती है। वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे देखकर डर रही हो, पर एम्बर बिना कुछ बोले झील के दूसरी तरफ जाने लगती है। लेकिन एम्बर को देखकर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो एम्बर उससे कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं। फिर एम्बर उस लड़के से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा है, तो वो कहता है पहले मेरे पास आओ क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही। बातों बातों में वो लड़का एम्बर से कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि हर यहाँ पर कोई ना कोई कपल डूबकर मारे जाते हैं। ये सुनकर एम्बर डरने की बजाय मुस्कुराने लगती है, पर तभी वो उससे डरकर पीछे की ओर जाने लगती है। वो लड़का उसे अपनी ओर आने को बोलता है, लेकिन एम्बर अब उसकी एक बात नहीं सुनती। तो फिर वो उसकी तारीफ करने लगता है और उसे बाहर आने को कहता है कि तुम बाहर आकर अपने कपड़े पहन लो, पर उसके कपड़े तो उस आदमी के पीछे पड़े हुए थे, तो वो बाहर कैसे आती? और वो एम्बर से ये भी कहता है कि तुम बाहर आकर अपने कपड़े बदल लो, मैं पीछे मुड़ जाऊंगा जब तक तुम अपने कपड़े नहीं पहन लेती। तो एम्बर कहती है, अबे भाई जा चले जा, वरना मेरा बॉयफ्रेंड आकर तुझे बहुत मारेगा। तो वो कहता है कि तेरा बॉयफ्रेंड तो मर चुका है। ये सुनकर एम्बर और घबरा जाती है और जोर जोर से जैक का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। ये देखकर वो लड़का एम्बर को धमकाते हुए झील से बाहर आने को कहता है, पर एम्बर उससे डर के और आगे चली जाती है। जब एम्बर पीछे देखती है तो वो लड़का वहां से गायब होता है। ये देखकर एम्बर जल्दी से झील के किनारे पहुंचकर अपनी गन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहां से भागते हुए जंगल में जाकर जैक का नाम लेकर चिल्लाने लगती है, लेकिन जैक का कोई अता पता नहीं होता। तो वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाती है और कार को चालू करके वहां से जाने लगती है। पर तभी उसे जैक का कॉल आता है और उसके पीछे एक हाथ बढ़ने लगता है, और यहीं पर ये शॉर्ट मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो आदमी शुरू से इनका पीछा कर रहा था। शायद वो एक सीरियल किलर हो जो अपनी खुशियों के लिए कपल्स की हत्या करता है। साथ ही जैक को उसी ने मारा होगा और उसका फोन भी चुरा लिया होगा। जब एम्बर वहां से भाग रही थी तो उसे जैक का कॉल आया था, ये शायद उसी आदमी ने किया होगा, जिससे वो और डर जाए और फिर उसने एम्बर को भी मार डाला होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मूवी डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।